सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी बिजली कनेक्शन है UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है ऑलरेडी ऐड है, ईमेल आईडी ऐड नहीं है, या फिर ईमेल आईडी भी ऐड है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, दोनों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को ही चेंज करना चाहते हैं, दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डाउट जो भी है क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपने बिजली कनेक्शन में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है, जो भी ये पूरा का पूरा प्रक्रिया होने वाली है पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, इसमें आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पर आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या फिर एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी है तो आप इजीली घर बैठे ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको सिंपली यहां पर टाइप करना है यूपी एनर्जी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं होम स्क्रीन पर मैं ऐसे ही लिखकर टाइप किया हूं, इस प्रकार से आप भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। वैसे भी इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से भी आप डायरेक्टली इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद ही इस प्रकार से टाइप करके सर्च करेंगे तो इसकी फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ही आ जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर आप आ चुके हैं, इसका होम पेज इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कंज्यूमर कॉर्नर का, और नीचे एक है कनेक्शन सर्विसेज का, और तीसरा है माई कनेक्शन। तो आपको यहाँ पर जो माई कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है उसमें आपको सेकेंड नंबर पर जो रूरल सर्विस का रिक्वेस्ट है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ वो रूरल के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। जिसमें मैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप काफ़ी सारी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल को अपडेशन, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस करेक्शन, अगर आप अपना नेम या फिर एड्रेस को जो चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप यहां से कर सकते हैं। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका बिल इनकरेक्ट है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, मीटर रिलेटेड रिक्वेस्ट है, लोड चेंज रिक्वेस्ट है, परमानेंट डिस्कनेक्शन जिसे आप शॉर्टकट में PD के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 8 सर्विस दी गई है, इसको आप अगर अपना अकाउंट बनाए रहते हैं तो 8 सर्विस को आप यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करके दिखाने वाला हूँ, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे लॉगिन के लिए बोला जा रहा है, तो मेरे पास अकाउंट नंबर और पासवर्ड और कैप्चा भर के मेरे को लॉगिन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने इसका जो पेज है इस पे आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के लॉगिन करना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं किए, कभी भी इस पर रजिस्टर नहीं किए हैं, तो आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी दी गई हुई जानकारी है सबको आप फिलअप करेंगे, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो OTP वगैरह सेंड की जाएगी, उसको आप फिल करके आप अपने इस पेज पर UPPCL के पेज पर आप रजिस्टर हो जाते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ और सिंपली अपने अकाउंट नंबर और पासवर्ड को डाल करके यहाँ पर मैं लॉगिन होकर के आपको आगे दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं UPPCL की वेबसाइट पर मैं लॉगिन हो चुका हूं, यहां पर मैं जूम करके आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको अकाउंट नंबर वाले सेक्शन पर आपका अकाउंट नंबर जो है शो होता है यहां पर, तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सिंपली आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट मोबाइल एंड ईमेल, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है ईमेल आईडी है इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने आ जाता है यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर। तो आप न्यू मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो भी मेरे को यहाँ पर करना है, और जो ईमेल आईडी आपको अपडेट करनी है उसको भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो जो भी आपका आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर ही अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है।
यहाँ पर देखते हैं, तो आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी जो भी आप ऐड करते हैं वो ट्वेल्व आवर के अंदर ऐड हो जाता है। यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जब आप पेज को रजिस्टर करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत सारी यूपीपीसीएल सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर दिया गया है आप स्वयं बिल अपना स्वयं बिल बना सकते हैं, आपको किसी भी मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप अपना जो भी पेमेंट किए रहते हैं उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट वगैरह जो आप कर सकते हैं और कंप्लेंट किए हुए को आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स बहुत सारी सर्विस दी गई हैं जिसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा, मैं दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट किया जाता है, चेंज किया जाता है। आप बहुत ही आसानी से इसको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई सवाल अभी बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।